गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टू ट्रेस अ कर्व इन विच इट इज़ नॉट कन्वीनियंटली पॉसिबल टू एलिमिनेट द पैरामीटर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास पैरामीटर की इक्वेशन दे रखी है तो उसमें हम क्या करते थे उस पैरामीटर को एलिमिनेट करते थे इक्वेशन ऑफ कर्व को हम एक्स और वाई की फॉर्म में लाते थे और फिर उसको ट्रेस करते थे अब उसका एक केस है कि अगर इट इज नॉट कन्वीनियंटली पॉसिबल टू एलिमिनेट द पैरामीटर तो हम कर्व को कैसे ट्रेस करेंगे बाय द फॉलोइंग स्टेप्स ठीक है हम जो कर्व को ट्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स ठीक है अब तक जितने भी हमने स्टेप्स करे थे उन सबसे अब डिफरेंट आएगा ठीक है स्टूडेंट्स लेटेस्ट आर्थ सिमिट्रिसिटी स्टेप्स वहीं होंगे बट उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो डिफरेंट हो जाएगा पहले तो हम ये करते थे ना सीमेट्रिसिटी में क्या कि अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा y को माइनस वाई से रिप्लेस करा y को x से x को y से एंड सो ऑन ये सारे प्रोसेसेस थे अब इसमें चेंज हो जाएगा हमारे पास सपोज करो जो हमारे पास पैरामीटर है वो t की फॉर्म में है ठीक है तो कैसे प्रोसीड करेंगे फर्स्ट स्टेप इज सिमेट्रिसिटी इफ बाय चेंजिंग टी टू माइनस टी या फिर टी को बाई माइनस टी से रिप्लेस करना अगर एक्स माइनस एक्स में चेंज हो रहा है अगर एक्स माइनस से चेंज होके एंड वाई रिमेन्स अनचेंज देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस मतलब अगर हम टी को माइनस टी से रिप्लेस कर रहे हैं अगर तब एक्स माइनस एक्स में चेंज हो रहा है और माइनस एक्स में चेंज हो रहा है और वाई वाई में ही रहता है तो वो क्या हो जाता है इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस नेक्स्ट कैस क्या है कि अगर टी को हम माइनस टी से रिप्लेस कर रहे हैं तो अगर एक्स सेम रह रहा है और वाई माइनस वाई में चेंज हो रहा है तो मतलब क्या आ जाएगा कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस या टी को माइनस टी से रिप्लेस करो या फिर टी को पाई माइनस टी से रिप्लेस करो इज इट राइट थर्ड स्टेप क्या है कि इफ बाय चेंजिंग टी टू माइनस टी एक्स चेंजेस टू माइनस एक्स और वाई भी चेंज हो जाता है माइनस वाई में मतलब अगर हम टी को माइनस टी से रिप्लेस कर रहे हैं तो वो रिजल्ट कर रहा है कि एक्स भी माइनस एक्स में चेंज हो गया और वाई भी माइनस वाई में चेंज हो गया तो कर्व सिमेट्रिक किस में हो जाएगा इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स जो हम केस कंसिडर करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर का इज इट राइट स्टूडेंट्स ये हो गई सिमेट्रिसिटी का फर्स्ट नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट फाइंड आउट करते हैं ओरिजिन क्या क्या हमारा कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से या नहीं कर रहा है? अगर कोई ऐसी वैल्यू हमें टी की मिल जाती है कि एफ टी और जाई टी दोनों ही जीरो हो जाए मतलब अगर एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है ए टी और वाई मेरे पास कोई भी फंक्शन है इट बी एंड y को हम क्या सपोज कर लेते हैं टू वे टी तो अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t पे दोनों x और y जीरो हो रहे हैं मीन्स द कर्व पासेज थ्रू और अब यहाँ पर अगर मैं t को जीरो पुट करती हूँ तो x और y दोनों ही जीरो हो रहे हैं मतलब द कर्व पासेज थ्रू और द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड एजम टोर्च एजम को फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे हॉरिजोंटल वर्टिकल एजम फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उसके बाद ऑब्लिक एजम हॉरिजोंटल एजम डोट्स फाइंड आउट करने हो तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ये था कि अलाइन वाई इज इक्वल्स टू बीज सेट टू बी हॉरिजोंटल एजम डॉट अगर लिमिट ऑफ एक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं दैट इज प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी चाहे प्लस इन्फिनिटी पे फाइनाइट वैल्यू है या फिर लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी मतलब जब एक्स इन्फाइट लिमिट्स को टेंट कर रहा है तो वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए फाइनाइट ठीक है वही लिखा है फर्स्ट फाइंड द एजम टोअर्स पार्लर टू द कॉर्डिनेट एक्सेज टू गेट द एजम टोअर्ड्स पार्लर टू एक्स एक्सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वन बी टू सो ऑन टू विच वाई वन टेंस वाई टेंस एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इन्फिटी तब ये जो होंगे वाई इक्वल टू बी वन वाई इक्वल टू बी टू आर एंड सो ऑन आर द एजम टूअर्ड्स पार्लर टू एक्स एक्सेस मतलब एक्स और वाई एक्स की इंफाइट लिमिट पे वाई क्या अटेंड करेगा फाइनाइट पर ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकल एजम टोट अ लाइन एक्स इज इक्वल्स टू ए इट सेट टू बी वर्टिकल एजम टोट ऑफ अ कर्व इफ इधर एक्स की जब हम फाइनाइट लिमिट को अप्रोच करते हैं एक्स को फाइनाइट लिमिट पर अप्रोच करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट ठीक है दैट इज एक्स अप्रोचेज टू ए ए या फाइनाइट लिमिट पर तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए वन ए टू सो ऑन टू विच एक्स टेंड्स कहाँ पर एक्सटेंड करेगा जब y क्या हो जाएगा इन्फिटी मतलब x इज इक्वल टू तो ए वन एक्स इज इक्वल तो टू ए टू आर्दर एज एम टोर्स पार्लर टू एक्स एक्स एज मतलब x की फाइनाइट लिमिट पर टेंट करने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है टेन जैस प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इन्फिटी इज इट राइट स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट स्टेप आता है टू फाइंड ऑब्लीक एज एम टूर्ड्स ऑब्लीग एजम टोट्स का वही सेम प्रोसेस है एम की वैल्यू और सी की वैल्यू पे ऑब्लीग एजम टोट्स कौन से होते हैं विच आर नीदर पैलर टू एक्स एक्सेस नॉर पैलर टू वाई एक्सेस तो लेट एस सी दैट फॉर सम वैल्यू ऑफ टी से टी अप्रोचेस टू टी नॉट बोथ एक्स एंड वाई टेंस टू प्लस माइनस इंफिनिटी एंड लिमिट t अप्रोचेज टू टी नॉट वाई बाई एक्स एम एंड लिमिट टी t टू टी नॉट वाई माइनस एम एक्स इज देन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज एन ऑब्लिक एज एम टोट तब हमारे पास जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है वो क्या हो जाएगा ऑब्लिक एज एम टोट इज इट राइट स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना कव एक्स एक्सेस को कब मीट करेगा जब वाई क्या होगा जीरो पे जब वाई क्या होगा जीरो कव वाई एक्सेस पे कब मीट करेगा जब एक्स क्या होगा जीरो तो उसी से ही आप क्या करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर दोगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस टू फाइंड रीजन रीजन फाइंड आउट करना है तो एज एफ मैं केस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू बी साइन क्यूब थीटा यहाँ पर जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ थीटा ठीक है तो यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगी कॉज की ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगी जब वो वन होगा तो एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी ए ठीक है और लीस्ट वैल्यू क्या होगी जब माई कॉज वे की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है माइनस वन से वन तक तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस वन इज द लीस्ट वैल्यू और वन इज द मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू ठीक है ना अगर आप पाई पुट करते हो तो माइनस वन का क्यूब आ जाएगा दैट इज माइनस वन का क्यूब मीन्स मल्टीप्लाइड बाय ए दैट इज माइनस ऑफ ए और ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगी जब वो हमारे पास क्या आ जाएगा वन दैट इज एट जीरो डिग्री ठीक है स्टूडेंट्स ये जो इंटरवल है मैंने मैक्सिमम वैल्यू बताई है विद इन द लिमिट जीरो टू सिमिलरली आप चेक करोगे की की थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब थीटा क्या होगा वन और मिनिमम कब होगी दैट इज माइनस वन क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों किसमें लाया करते हैं बिटवीन वन एंड माइनस वन Right? लाइ कर रहे हैं तो एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए और बी क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी इज इट राइटेंट यहाँ तक समझ आया कि आपको लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू से आपको आपका रीजन मिल जाएगा तो वही हम यहां देखते हैं इफ पॉसिबल फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर सम रियल वैल्यूज ऑफ टी विच गिव्स लाइन्स पार्लर टू द एक्सेस ऑफ कोर्डिनेट्स दै बिटवीन विच द कर्व लाइज और डज नॉट लाई मतलब हम मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा कर्व है कहाँ लाई कर रहा है कहाँ नहीं लाई कर रहा कि हमारे जो कर्व है किसी कोऑर्डिनेट एक्सेस से पार्लर है या नहीं है ये सब हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रीजन से इज इट राइट स्टूडेंट्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास स्पेशल स्पेशल पॉइंट्स पॉइंट्स निकालने हैं तो आप क्या हो dt, अगर थीटा पैरामीटर है तो क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी थीटा डीएक्स बाय डी थीटा ठीक है विच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड द पॉइंट वे डीवाई बाई डी एक्स इज जीरो या फिर इंफिनिटी फिर उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स सेम एज इट इज कन्केविटी और कन्वेक्सिटी को ही प्रोसीड करेगा ठीक है जैसे हम उसमें करते थे जो प्रीवियस हमारे स्टेप्स थे कन्केविटी और कन्वेक्सिटी के वो तो सेम एज इट इज़ ही रहेंगे ठीक है स्टूडेंट यहाँ तक समझ आया ना अस डिस्कस एग्जांपल नंबर वन विच इज ट्रेस द कर्व एक्स इज इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू ए वन प्लस कॉज थीटा तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास टू फाइंड सिमेट्रिसिटी सिमेट्रिसिटी को फाइंड करना है तो हम यहाँ पर थीटा है तो जो हमने अभी केस डिस्कस करा था जो हमने रूल्स अभी डिस्कस करे उसमें हमने पैरामीटर टी कंसिडर करा था ठीक है तो उसमें हम क्या करते थे टी को माइनस टी से रिप्लेस करते थे ठीक है तब यहाँ पर वही करेंगे हम टी की जगह थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा ए माइनस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा माइ ए माइनस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब माइनस ए थीटा प्लस साइन थीटा ये क्या हो गया एक्स की वैल्यू दैट इज एक्स किसके इक्वल आ गया माइनस एक्स के तो मतलब जब थीटा माइनस थीटा को अप्रोच कर रहा है तो एक्स माइनस एक्स को अप्रोच कर रहा है नेक्स्ट हम वाई को चेक करते हैं वाई इज इक्वल टू ये वन प्लस कॉस थीटा तो अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा ही रहता है क्योंकि कॉज ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ठीक है थी? तो ये एज इट इज आ जाएगा मतलब वाई इज अप्रोचेज टू वाई ओनली तो इसका मतलब एक्स एक्स किस को चेंज हो रहा है माइनस एक्स को तो मतलब कर्व किसकेमेट्रिक होगा द कर्व विल भी सीमेट्रिक विध रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस ठीक है स्टूडेंट यहाँ तक समझ आए वो यहाँ मैंशन होगा वेन थीटा इज चेंज टू माइनस थीटा एक्स चेंजेस टू माइनस एक्स एंड वाई रिमेन्स अनचेंज द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑरिजन ऑरिजन मीन्स कोई ऐसी वैल्यू हमें थीटा की चाहिए जिस पर दोनों ही जीरो हो जाए दैट इज एक ऐसी वैल्यू थीटा की जब मैं इसमें थीटा की वो वैल्यू पुट करूँ तो एक्स भी जीरो हो जाए और जब मैं वो वाली वैल्यू वाई में पुट करूँ तो वो वाली वैल्यू भी जीरो हो जाए तो ऐसी कोई पॉसिबल टर्म ही नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर थीटा को जीरो करती हूँ तो साइन थीटा ज़ीरो ये जीरो तो एक्स तो जीरो हो गया पर अगर हम यहाँ जीरो पुट करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा टू सिमिलरली अगर मैं पाई बाय टू करती हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा ए पाई बाय टू प्लस वन और यहां क्या आ जाएगा ए वन प्लस जीरो भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा पर एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं हो रहे हैं, तो मतलब कर्व डज नॉट पास थ्रू कर्व डज नॉट इज थ्रू और ठीक है स्टूडेंट कर्व ओरिजिन से पास नहीं करेगी यही यहाँ है दैट इज देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच एक्स एंड वाई बोथ आर जीरो दस द कर्व डॉट पास इज थ्रू ऑरिजन नेक्स्ट आप चेक करोगे एजम टोथ एजम टोथ में क्या होता है कि आप वाई की बी के इक्वल कब होगा इज एन एजम टोट वाई इज इक्वल टू बी एजम टोट कब होता है कि जब लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फानाइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी मतलब एक्स की इनफाइनाइट लिमिट पर एफ ऑफ एक्स क्या आया हमारे पास एफ ऑफ एक्स आया हमारे पास फाइनाइट दैट इज बी ठीक है पर यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी जिस पर अगर हम x को फाइनाइट कर रहे हैं तो y इन्फानाइट होगा या y को फाइनाइट कर रहे हैं तो x इन्फानाइट होगा एंड सो ऑन सिमिलरली हमारे पास इसमें कोई भी ऑब्लिक एजम टोट भी नहीं होगा तो ये आपको मैंने एजम टोच के चैप्टर में सारा एक्सप्लेन करा हुआ है तो आप ये चेक कर लेना दैट द कर्व हैज़ नो एजम टोच अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सब में आपको सॉल्व करवाया है सिमिलरली उसमें भी इसमें भी ऐसे ही होगा कि जब मैं कोई ऐसी वैल्यू ऑफ वाई की लेती हूँ वाई इक्वल टू ए लेट इट बी वाई इक्वल टू ए पर वाई इक्वल टू ए कब होगा जब थीटा क्या होगा पाई बाय टू क्या वाई इज इक्वल्स टू ए पर क्या एक्स इंफानाइट अप्रोच कर रहा है लेटे सी वाई ए कब हुआ जब थीटा क्या है पाई बाय टू तो एक्स इज इक्वल टू ए पाए बाय टू प्लस साइन पाए बाय टू दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए पाए बाय टू प्लस साइन पाइबर टू इज दसाइन पाइबर टू इज वन तो वो फाइनाइट लिमिट दे रहा है मतलब ऐसे हमारे पास कोई भी एज्मोट नहीं आएगा दैट इज वी डू नॉट हैव एनी वर्टिकल एज्मोट नॉर हॉरिजोंटल एज्मोट्स थर्ड हमारे पास क्या है ओब्लीग एजम टोट्स ओब्लीक एजम टोट्स में हमने अभी डिस्कस करा था कि वो थे बाई टेन्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी किसी न किसी पैरामीटर पर पर हमने यहाँ पर देखा दोनों किसी ना किसी थीटा की वैल्यू पर इंफानाइट पर नहीं अप्रोच कर रहे दोनों अप्रोच होने चाहिए ना यहाँ पर तो चलो हो जाएगा जब इन्फानाइट इन्फानाइट पर अप्रोच कब हो जाएगा बेसिकली uh, कॉज और साइन फंक्शन हमारे पास इन्फानाइटी को अप्रोच करते ही नहीं हैं ठीक है ना तो ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा है ही नहीं जिस पर एक्स और वाई दोनों प्लस माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करें मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्लिक एजम टॉप नहीं है तो तीनों से कंक्लूड करके हमने क्या लिखा द कर्व हैज नो एजम टूट इज इट राइट स्टूडेंट नेक्स्ट केस क्या होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फर्स्ट स्टेप द कर्व मीट एक्स एक्स वन वाई इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो मीन्स ए वन प्लस कॉस् थीटाइज जीरो मीन्स वन प्लस कॉस् थीटाइज जीरो मीन्स कॉस् थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन मीन्स थीटा या पाई होगा या माइनस पाई होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स आर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाएंगी यहाँ पुट करोगे पाई तो साइन पाई क्या होगा जीरो तो एक्स क्या हो जाएगा ए पाई ठीक है जब माइनस पाए पुट करोगे तो एक्स क्या हो जाएगा ए माइनस पाए प्लस जीरो दैट इज माइनस ए पाए तो देअर फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ए पाई कॉमा पाए एंड माइनस ए पाई कॉमा माइनस पाए ठीक है ना बेसिकली हमने यहाँ पर जी, y की वैल्यू तो जीरो है ना x की वैल्यू चेक कर रहे हैं ना तो हमारे पास y तो जीरो ही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गए दैट इज इट इज़ इक्वल्स टू ए पाइकॉमा जीरो एंड माइनस ए पाईकोमा जीरो ठीक है अब रीजन फाइंड आउट करते हैं तो हम इसकी मैक्सिमम और लीस्ट वैल्यू देखते हैं हमें पता है मॉड ऑफ कॉ थीटा कहाँ इज लेस देन इक्वल्स टू वन ठीक है अगर मॉड ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू वन मतलब कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस वन मैक्सिमम वैल्यू क्या है वन तो अस सी अगर मिनिमम वाई माइनस वन है तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो ठीक है फिर मैक्सिमम वैल्यू वन है तो यहाँ पर वन पुट करोगे वन प्लस वन टू टू इन टू ए टू ए तो मैक्सिमम क्या होगी टू ए मतलब जितना होल कर्व लाइज बिटवीन वाई इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इज इक्वल्स टू टू ए ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है टू फाइंड स्पेशल पॉइंट्स स्पेशल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पर क्या आएगा डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाय डी थीटा मतलब मुझे डी एक् बाई डी थीटा भी फाइंड करना और डीवाई बाई डी थीटा भी फाइंड आउट करना तो डीएक्स बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाय डी थीटा फाइंड आउट करेंगे एक्स क्या है हमारे पास ए थीटा प्लस साइन थीटा वाई क्या है हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू ए वन प्लस कॉस थीटा तो यहाँ पर अगर मैं डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए जीरो माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस ए साइन थीटा डी एक्स बाय डी थीटा करेंगे तो ए थीटा का डेरिवेटिव वन साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा तो ये आ जाएगा तो डी वाई बाय डी एक्स हम सेम आज एट इस निकालेंगे डी वाई बाय डी थीटा डी एक्स बाय डी थीटा यहाँ से हमारे पास माइनस टेन थीटा बाय टू आ गया तब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हम डीवाई बाई डीएक्स को क्या पुट करेंगे जीरो डीवाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करेंगे दैट इज टेन थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो टेन थीटा बाय टू इज इक्वल्स टू जीरो मीन्स थीटा इज इक्वल टू जीरो थीटा जीरो है मतलब टेंजेंट इज पार्लर टू एक्स एक्सेस इज वे थीटा इज जीरो विच गिव्स एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू टू पा मतलब जब यहाँ पर आप थीटा को जीरो पुट करोगे थीटा को जीरो पुट करोगे तो एक्स क्या हो जाएगा ज़ीरो और वाई क्या हो जाएगा आपके पास ए वन प्लस वन दैट इज टू है तो आपके पास वो लिखा हुआ है कि द टेंजेंट इज टू एक्स पैलर थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू टू एट जीरो टू ए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डी वाई बाय डी एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी को जब कॉज जब साइन थीटा बाय टू बाय कॉस थीटा बाई टू हमारे पास ज़ीरो है ना तो ये जो टर्म है डी बाई बाई डी एक्स ये जो टर्म है ये थी को कब अप्रोच करेगी बेसिकली ये इन्फिनीटी को कब अप्रोच करेगी जब कॉस थीटा कॉस थीटा बाई टू क्या होगा प्लस माइनस बेसिकली कॉस थीटा बाय टू क्या होगा ज़ीरो कॉस थीटा बाई टू ज़ीरो कब होता है पाई बाय टू पे माइनस फाई बाय टू पे तो वहां से हम क्या कंक्लूड कर देंगे दैट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाए एंड और पाए ठीक है तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएंगे कि माइनस ए पाए बाय जीरो एंड ए पाए बाय ज़ीरो अब हम चेक करेंगे हमारा कर्व किस टाइप का कन्वेक् कनकेविटी है या कन्वेक्सिटी है तो उसके लिए डी स्क्र वाइबा डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करा डी स्क्वायर वाई बाय डीएक्सक्वायर फाइंड आउट करा तो वो क्या आया नेगेटिव नेगेटिव आया नेगेटिव आया तो मतलब हमारा कर्व कैसा है कनकेव डाउनवर्ड फॉर्म का कनकेव डाउनवर्ड फॉर्म का है तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज वी हैव इस फॉर्म का है ठीक है इस फॉर्म का आ गया क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखे हैं ना दैट इज ए पाई कॉमा जीरो माइनस ए पाई कॉमा जीरो ठीक है और हमें ये भी मैंशन है दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए पाए है और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए पाए है ठीक है और एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है जीरो कॉमा टू पाए टू ए तो यहाँ पर वो ये हो गया तो कन्केव डाउनवर्ड्स है तो वो ये हो गया ठीक है इस साइड ये हो गया अब मुझे पता है द कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस तो वो इस साइड भी प्लॉट हो जाएगा हमारे पास ठीक है स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रेसिंग ऑफ कर्व हो गई फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट ठीक है स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डू आस्क मी इन योर लाइव डाउट क्लास या फिर कॉलेज में आके डाउट्स ले सकते हो आप ऑन मंडे एंड फ्राइडे मंडे फ्राइडे को आपकी लाइव डाउट ऑफलाइन डाउट क्लास होती है तो कम डाट है ऑल्सो ठीक है स्टूडेंट्स अब इसके कुछ और केसेस भी हैं कि जब साइक्लो इसको हम साइक्लोइड कहते हैं जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करा है उसको हम साइक्लोइड कहते हैं और साइक्लोइड कैन हैव द फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ इक्वेशन द वेरी फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा वे थीटा वेर फ्रॉम जीरो टू टू पाए तो उसके लिए हमारे पास कर्व ट्रेसिंग ये होगी नेक्स्ट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा वाई इज इक्वल्स टू ए वन प्लस कॉस थीटा वे थीटा वेर इज फ्रॉम जीरो टू टू तो उसके लिए हमारे पास कर्व ट्रेसिंग होगी ये वाली नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है क्वेश्चन दैट इज थर्ड पार्ट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस् थीटा वन थीटा वेर इज फ्राम माइनस फाइव टू उसके लिए हमारे पास कर्व ट्रेसिंग ये है और फोर्थ पार्ट वो है जो हमने आज डिस्कस करा है ठीक